अजंता न्यूज जी, ठीक है, रकुबीन रकुबुद्दीन अहमद जी, विस्मिता गोगोई जी, गौरव गोगोई जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक। ज्यादा अच्छे नहीं है, मोदी खा दिया। चार साल पहले नरेंद्र मोदी जी आए, हर पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अलग अलग वायदे किए, याद है आपको? 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है? याद है। भूल गए? याद है। भूल गए? नहीं नहीं नहीं, भूला नहीं। आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला? नहीं। कोई यहाँ एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में चौकीदार ने पैसा डाला? नहीं। अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाला है चौकीदार ने? आपके जेब में कितना डाला? एक रुपया नहीं है। एक रुपया डाला? तो ये चौकीदार के जो भाषण है, सब लोग सुनते हैं। मैंने भी एक बार टीवी पर इनको हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालने वाला वायदा सुन लिया, तो मैंने सोचा ये चौकीदार है, दिन भर झूठ बोलता है, मतलब जो इससे मुंह, इनके मुंह से निकलता है वो बस झूठ ही निकलता है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी सच्चाई हिंदुस्तान को भी बताया जाए, समझाया जाए, नहीं ये बस झूठ बोलते रहते हैं, बहुत झूठ बोलते रहते हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी सच्चाई देश के सामने रखी जाए, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैंने कहा, थिंक टैंक से कहा कि एक बात बताइए, ये चौकीदार ने 15 लाख का झूठ बोला है, कहा था हर बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है? मैंने ये कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से, कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से पूछा। मैंने उनसे कहा, देखिए मुझे बड़ी थ्योरी मत देना, मैं लंबे शब्द नहीं सुनना चाहता, मुझे नंबर चाहिए। उसने 15 लाख बोला था, मुझे नंबर चाहिए। उसने झूठ बोला था, मुझे सच्चा नंबर चाहिए। 6 महीने काम हुआ, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से बात हुई, प्लानिंग हुई और एक नंबर निकला। कुछ ही दिन पहले चिदंबरम जी ने मुझे ये नंबर कागज पे लिख के दे दिया। नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, 3,60,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, 72,000 रुपए। अब आप पूछोगे ये दो नंबर क्या हैं? मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आज भी आपको गरीब लोग दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, नोटबंदी के समय आपको लाइन में खड़ा किया, एक एक को लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला। अब हम आप सबको एक नई लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस लाइन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर में बैठ के आप लाइन में खड़े हो सकते हो। देखिए 20% परिवार हिंदुस्तान के 12,000 रुपए प्रति महीना से कम
कमाते हैं। फिर से दोहराता हूं, हिंदुस्तान के 20% लोग महीने के 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन सब लोगों के नाम एक लिस्ट में डालेंगे, इन सब परिवारों के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी सोच के हो, बस हिंदुस्तानी हो। और इन सब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर साल हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए डालेगी। वैसे बैंक के सामने जाने की जरूरत नहीं, सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और मैं यहां पुरुषों से कहना चाहता हूं, नाराज मत होइए, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी 5 साल में 3,60,000 रुपए गारंटी करके बैंक अकाउंट में डाल के दे दी। एक तरफ चौकीदार का झूठ, हर बैंक अकाउंट में 15,00,000 रुपए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का सच, हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल में 3,60,000 रुपए हमारी गारंटी। पैसा कहां से आएगा? नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं चौकीदार को, मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। पैसा अनिल अंबानी जैसे लोगों के जेब से आएगा। आपने उसकी जेब में हिंदुस्तान की एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए डाला, आपने एयरफोर्स से पैसा चोरी करके उस चोर के जेब में डाला। हम वही पैसा उस चोर के जेब से निकालकर हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% परिवार में जेब में डाले। बोलो जो बोलना है, करो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% परिवारों को 5 साल में 3,60,000 रुपए देने की गारंटी हमारी। हमने ये अनाउंस किया, आपने चौकीदार का चेहरा देखा होगा, हिल गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 15,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, जो भी मांगो नरेंद्र मोदी दे देगा, सिर्फ प्रधानमंत्री बना। अच्छा, प्रधानमंत्री मत बनाना, चौकीदार बना, चौकीदार बना दो मुझे। मजदूर के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है क्या? देखा आपने कभी? बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? ना। किसान के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? भाई और बहनों, चौकीदार सिर्फ अमीर लोगों के घर के सामने खड़ा होता है, गरीबों के घर के सामने कोई चौकीदार नहीं खड़ा दिखाई देता। ये जो चौकीदार है, ये अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का, ललित मोदी का चौकीदार। इसका काम आपके जेब से पैसा निकालने का है, आपको बैंक के सामने खड़े करने का है। देखिए, आपने बात उठाई तो मैं कहता हूं, पहले नारा हुआ करता था
अच्छे दिन आएंगे प्यारा, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन चले गए, गायब हो गए, बाय बाय। अब नया नारा चला है, देश गांधी चौकीदार, 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 चौकीदार। ये नया नारा चला है और पूरा देश ऐसे ही कोई कहता है चौकीदार, देश के चोर। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, आप यहां से जाएंगे किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार कह रहे हो। आप बेरोजगारी युवा के पास जाइए, कहिए चौकीदार चोर। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, और नरेंद्र मोदी कहता है 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। गब्बर सिंह टैक्स लाए, आप असम के किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए, चाय की दुकान में चले जाइए और पूछिए गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ या नुकसान। नुकसान हुआ। 5 अलग अलग टैक्स, 28% का टैक्स, दिन भर फोन भरो, चौकीदार ने कहा है फॉर्म भरेंगे, चलो फॉर्म भरो, भरते जाओ, बर्बाद हो जाओ। ऐसा गब्बर सिंह टैक्स हमें नहीं चाहिए। यूपीए सरकार आएगी, यहां पे जो भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं, गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल देंगे, जीएसटी आपको दिलवा देंगे। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, सरल टैक्स, भ्रष्टाचार, रिश्वत आपको देने की जरूरत नहीं। पूरा ढांचा बना रखा है इसमें। अखबार पढ़िए, खोलिए, 6 एयरपोर्ट इनके मित्र अदानी जी को, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को, 30,000 करोड़ रुपए दिए, मतलब साल में एक मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ लगते हैं। एक व्यक्ति को पूरे मनरेगा का पैसा इसमें दिया है चौकीदार ने। ये सच्चाई, देश के युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, असम में लाखों युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बिजनेस चालू करना है तो नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में पहले आप जाके परमिशन ढूंढिए। सरकार के हर डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट से आपको कोई ना कोई परमिशन देना पड़ेगा, और जब आप परमिशन लेंगे आपको रिश्वत भी देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया, हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, चाहे वो असम का युवा हो, हिंदुस्तान का युवा हो, किसी भी प्रदेश का हो, अगर वो बिजनेस खोलना चाहता है, चालू करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उसे 3 साल के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी छूट है। आप 3 साल बिना कोई परमिशन, बिना कोई डिपार्टमेंट से कुछ पूछे आप अपना काम शुरू करो, और जैसे ही आपने अपने बिजनेस में रोजगार देना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, सिर्फ कमाया है, देश को रोजगार नहीं दिया है। 22 लाख सरकारी पोस्ट है, हम इनको 1 साल के अंदर आपके लिए भर के दिखा देंगे। और यहां
नॉर्थ ईस्ट पर, आसाम पर इनका पूरा आक्रमण चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आपको अलग अलग हथियार दिए थे, स्पेशल स्टेटस, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्लानिंग कमीशन आपके लिए प्लानिंग करता था, आपकी जरूरतों को देखता था। नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक इन चीजों को आपसे छीना। स्पेशल स्टेटस आपको क्यों मिलता था? क्योंकि आपके सामने स्पेशल तरीके की कठिनाइयां हैं। असम में बाढ़ आती है, अलग अलग तरीकों की मुश्किलें हैं आपके सामने, इसलिए आपको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, वो नरेंद्र मोदी ने आपसे छीना। हमने सोचा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी में असम और नॉर्थ ईस्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बने, मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, हाई टेक्नोलॉजी की यहां कंपनियां खुले ना। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे छीनी, प्लानिंग कमीशन छीना। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अच्छी तरह सुन लीजिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, स्पेशल स्टेटस, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक नया प्लानिंग कमीशन आप लोगों को हम दिलवा देंगे। ये आपका हक है, ये आपका है, ये हम आपको वापस देंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में आप जानते हो, यह भी आप पर आक्रमण है, आपकी भाषा पर, आपकी सोच पर, आपकी इंडिपेंडेंस पर। जब ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से, असम से मेरे पास लोग आए और आपने मुझे समझाया कि आपके ऊपर एक आक्रमण है, और हमने साफ कह दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम पास नहीं होने देंगे, और इसको हमने पास नहीं होने दिया। बीजेपी के मर्डर अक्यूज्ड प्रेसिडेंट अमित शाह ने बयान दिया कि वो इसको पास करवा के दिखाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट पर, असम पर आक्रमण कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल को कांग्रेस पार्टी नहीं पास होने देगी। देश के सामने एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा। हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सही दाम दिलवाऊंगा, कर्जा माफ करूंगा, पूरी मदद करूंगा। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? कर्जा माफ नहीं किया, सही दाम नहीं दिलवाते, एमएसपी नहीं बढ़ाते, बस भाषण करते हैं। तीन प्रदेशों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और वहां भाषण में मैंने साफ कह दिया 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों का इन प्रदेशों में कर्जा माफ करके दिखा दी। मोदी जी ने कहा जो हर बार कहते हैं, पैसा कहां से आएगा? हमने कहा 10 दिन दीजिए, हमें फिर देखते हैं। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों में किसानों का कर्जा माफ हमने कर दिया। हम जो कहते हैं हम करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, दो दिन बाद झूठ बोलते हैं। टी गार्डन्स में मिनिमम वेज देने का हमारा कमिटमेंट है, वो भी हम आपको करके दिखा देंगे। देखिए, लड़ाई विचारधारा की है,
एक तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी देश को बांटना चाहते हैं और जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हम सब देश को जोड़ते हैं, भाईचारा फैलाते हैं, प्यार फैलाते हैं और देश को मजबूत करने का काम करते हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई, और आप एक बात समझ लीजिए, असम पर नागपुर और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं, आपकी भाषा पर, आपके इतिहास पर, आपकी हिस्ट्री पर आरएसएस की विचारधारा आक्रमण कर रही है, और इसका लक्ष्य क्या है कि गरीबों के जेब से पैसा निकालकर 15-20 लोगों के जेब में डालना। कांग्रेस पार्टी गरीबों के जेब में पैसा डालेगी। मैंने कहा अगर वो अनिल अंबानी के जेब में डाल सकते हैं, अगर वो 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो हम हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए डाल सकते हैं। आप उनका काम करो, आप उनकी चौकीदारी करो, हम इनके साथ खड़े हैं। आप अनिल अंबानी की चौकीदारी करो, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, हम छोटे दुकानदारों के साथ खड़े हैं, हम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों के साथ खड़े हैं, हम माताओं बहनों के साथ खड़े हैं। जितनी मदद आपको उनकी करनी है आप करो। 5 साल में जो आपने मदद उनकी की, अगले 5 साल में वही मदद हम इन सबकी करेंगे। तो भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी को आप यहां जिताइए, बीजेपी को, आरएसएस को हराइए। पार्लियामेंट में असम की सब सीट कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दूर दूर से आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।